मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हमले झेल रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कूटनीति से मनोज जरांगे पाटिल की हड़ताल खत्म कराने में सफल रहे। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब कानून के विशेषज्ञ खुद भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए पहुंचे। यह सीएम एकनाथ शिंदे का ऐसा दांव था जो सफल रहा। अंतरवाली में जब तीन पूर्व जस्टिस की जरांगे से मुलाकात सकारात्मक रही तो इसके बाद चार मंत्रियों की टीम ने जरांगे से मुलाकात की। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशीलता और सूझबूझ से काम लेकर सीएम शिंदे अपनी रणनीति में सफल रहे। मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान जिस तरह की हिंसा सामने आने लगी थी वह शिंदे सरकार के लिए चुनौती बन रही थी। विपक्ष ने गृह मंत्री का विभाग संभाल ले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग शुरू की थी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण राजनीति से ज्यादा कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक और फैसलों के साथ सर्वदलीय बैठक पूरी होने के बाद पूर्व जजों की टीम को जालना भेजने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के इस कदम से मराठा प्रदर्शनकारियों में एक अलग भरोसा खड़ा हुआ। राजनेताओं से ज्यादा तीन पूर्व जस्टिस की मुलाकात से फर्क पड़ा। एक बार फिर पानी पीना छोड़ चुके जरांगे का रुख पॉजिटिव दिखा तो सीएम जरांगे ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को जालना भेज दिया। आखिर में सीएम जो गुड न्यूज चाह रहे थे वह अनशन के नौवें दिन शाम को आ गई। इतना ही नहीं, इससे पहले सातवें दिन सीएम ने खुद जरांगे से बात की। इससे भी मराठा प्रदर्शनकारियों में एक अच्छा संदेश गया। पूर्व जस्टिस शिंदे की कमेटी से मिलकर जरांगे भी आश्वस्त हो गए कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जरांगे के जिस सवाल का जवाब सीएम शिंदे के पास नहीं था उस कठिनाई को जजों की टीम ने हल कर दिया। जरांगे को यह भी बताया गया कि सरकार ने अभी ईमानदारी से काम किया है, आगे के दो महीनों में भी सरकार खूब मेहनत करने वाली है। निजाम के दौरान अभिलेखों का युद्ध स्तर पर सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलती को सुधारने के लिए तीन जजों की कमेटी काम कर रही है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।